पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर, और अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान ने रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अपने कोच का चयन कर लिया है। जी हाँ, जसन गिलेस्पी, जिसकी की उम्मीद थी, वो अब कोच होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और वही गैरी कस्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा साइन है। मैं समझता हूँ कि ये कदम थोड़ा और पहले उठा लिया जाता तो उसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सिर पर है और व्हाइट बॉल क्रिकेट का की जिम्मेदारी सौंपी गई है गैरी कस्टन को, तो शायद और अच्छे परिणाम आ जाते हैं अगर ये काम थोड़ा सा और पहले कर लिया जाता। क्योंकि तमाम अभी तक कोचिज रहे, लेकिन अभी या तो उनकी तरफ से जवाब भी नहीं आया, क्योंकि किसी भी काम में पता चला कि वो काफ़ी समय से इनके संपर्क में था। लेकिन अब गैरी कस्टन, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम के कोच रहे 2011 के वर्ल्ड कप में, 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कोचिंग दी थी भारतीय टीम को और भारतीय टीम विजयी रही थी, चैंपियन बनी थी। तो अब ये दर्शाता है कि ये काम जो है गैरी कस्टन ने अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाली है। पाकिस्तान क्रिकेट ने इसकी पुष्टि की है और अभी अभी ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट भी किया है कि गैरी कस्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे। और अजहर महमूद को ऑल फॉर्मेट का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। इफ एंड बट्स पर पूरी तरह से विराम लग गया है और अब अजहर महमूद जो है तीनों फॉर्मेट के, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, उसमें असिस्टेंट कोच की भूमिका में जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। और उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अजहर महमूद जो है खिलाड़ियों के साथ तो एक अच्छे रिश्ते रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही विदेशी खिलाड़ियों के, विदेशी जो कोचेज हैं उनके संपर्क में रहेंगे, जैसा वो चाहते हैं उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और गैरी कस्टन 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के, भारतीय टीम के कोच थे और उसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली साउथ अफ्रीका की 2011 से 2013 तक, और उसके बाद हॉबर्ट हॉरिकेन्स टीम के भी वो कोच रहे बिग बैश लीग में, और इसके अलावा RCB जिसमें विराट कोहली जो है उस टीम में शुरू से खेलते आए हैं, उस टीम में भी इन्होंने कोचिंग दी। और उसके अलावा इन्होंने गुजरात टाइटंस के इस समय ये बैटिंग कोच हैं, भारत में हैं इस समय और यहाँ पर बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पर यही सवाल होगा कि वो अगले साल मेगा ऑप्शन होने हैं IPL के, तो क्या वो PSL यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, PSL नहीं यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या उनकी जिम्मेदारी जो है जब वो रहेगी, तो क्या वो दिल्ली भारत में गुजरात टाइटंस की कोचिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वो फुल टाइम कोच रखे गए हैं, चीफ कोच उनको बनाया गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, और व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है उसमें वनडे भी आता है, T20 भी आता है, और इस साल तो T20 का वर्ल्ड कप होना है और अगले साल से अब वनडे जो है बिल्कुल रूटीन में आ जाएगा। तो उस वक्त काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इनकी कोचिंग में इनको काफ़ी महीने वहां पर बिताने पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको IPL के लिए अब फ्री किया जाएगा या वो उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं, वो शर्तें जैसे हम आएंगे ज़रूर आपको, आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं, क्योंकि इनको 2011 में बहुत मनाने की कोशिश की गई थी कि वो भारतीय टीम के साथ बने रहें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, और फिर उन्होंने जाकर साउथ अफ्रीका टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी को संभाल लिया। तो अब ये देखना होगा कि मेगा ऑप्शन के बाद क्या ये भारतीय टीम भारत में IPL की किसी टीम के साथ जुड़े रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि दोनों जिम्मेदारियाँ संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत संभावना यही है कि अब इनकी IPL से भी ये रुखसत होने वाले हैं, और गुजरात टाइटंस के साथ इस साल इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा नहीं है। अभी गुजरात टाइटंस को एक मुकाबला खेलना है, 7वें स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम इस समय चल रही है। तो गुजरात में जो है अब तक 9 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 7वें नंबर पर है, और उसको अभी RCB से खेलना है, और यहाँ इस मैच को जीतने के बाद उनके पास अपनी स्थिति को बेहतर करने का मौका रहेगा। वहाँ ये मेंटोर है और मेंटोर के साथ साथ बैटिंग कोच है, और वहीं आशीष नेहरा चीफ कोच है इस टीम के, गुजरात टाइटंस के। तो गुजरात टाइटंस तो जाहिर सी बात है कि इनको पलकें बिछाए हुए इनको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो और फ्रेंचाइजी हैं वो जहाँ चाहेंगे उनको कोचिंग के लिए कोई बाधा उनके रास्ते में नहीं आ सकती, और जिसको भी ज़रूरत होगी वो ज़रूर उनको पेशकश करेगा। लेकिन जहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा दाव खेला, उनसे गुपचुप तरीके से जो कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वही व्हाइट बॉल क्रिकेट के, पाकिस्तान टीम के
कोच होंगे। तो ये इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है। और इसके अलावा जेसन गिलेस्पी जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर, वो कोच बनाए गए हैं रेड बॉल क्रिकेट के। ये कैसा खिलाड़ी है तो बेसिकली एक बॉलर जो ग्लेन मैकग्रा के साथ और शेन वॉन के साथ एक सहयोगी बॉलर की भूमिका में थे। ये कभी भी मेन स्ट्राइक बॉलर की भूमिका में नहीं थे, लेकिन अपने निचले क्रम में एक अच्छी खासी बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी से, एक चेन बॉलर की हैसियत से काफ़ी विकेट चटकाने के लिए जाने जाते थे। तो अब यहाँ ये ऑलराउंडर के तौर पर जो है इन्होंने अपनी टीम की मौजूदगी का अपना एहसास कराया था अपनी टीम के साथ। तो एक मौके पर तो बांग्लादेश के खिलाफ नाइट वॉचमैन इनको उतारा गया था, चटगांव में वो मैच खेला गया था, वहां पर इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज के होने के बावजूद। एक मौका मुझे और याद आता है, न्यूजीलैंड के साथ एक मैच था टेस्ट मैच, और वहां पर भी इन्होंने और मैकग्रा ने जो कि इनकी जोड़ी बॉलिंग में दिखाई देती थी लेकिन बल्लेबाजी में आखिरी जोड़ी थी, और दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई और सेंचुरी पार्टनरशिप करके अपने टीम की नैया को पार कराया था। तो वो भी उसके लिए भी उनको खूब याद रखा जाता है। तो एक यूटिलिटी प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग हर तरह की खूबियां इनके अंदर हैं और सबके सबको साथ लेकर चलते हैं। ये और भी बड़ी बात है क्योंकि ये जिम्बाब्वे के कोच रहे, आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के ये कोच रहे, और उसके अलावा एडिलेड स्ट्राइकर्स बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के को भी इन्होंने कोचिंग दी। पापुआ न्यू गिनिया जो टीम है उसको भी इन्होंने कोचिंग दी। ससेक्स काउंटी के ये कोच रहे और साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम के भी ये कोच रहे। तो आपको ये बताते हुए कि यहाँ पर अजहर महमूद को ऑल फॉर्मेट का कोच बनाया गया, असिस्टेंट कोच बनाया गया है, और वहीं जेसन गिलेस्पी रेड बॉल क्रिकेट के पाकिस्तान टीम के कोच होंगे, चीफ कोच होंगे। और वहीं गैरी कस्टन जो है वो जो वाइट बॉल क्रिकेट के पाकिस्तान टीम के कोच होंगे। तो ये एक अभी जो खबर है, वैसे तो काफ़ी कुछ पहले से तय हो गया था लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होने का इंतज़ार था, और वो घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर के जरिए यानी एक्स के जरिए सब तक पहुँचा दी है कि अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी वो वाइट बॉल क्रिकेट के में बतौर कोच जो है टीम के साथ जुड़ेंगे T20 वर्ल्ड कप में। फिलहाल अपनी राय दें इस बारे में। और एक आयुष राज का सवाल है कि पाकिस्तान टीम को कितना फ़ायदा होगा गैरी कस्टन के आने से। जनाब बहुत फ़ायदा होगा आयुष जी, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है बतौर कोच, वो काफ़ी सक्सेसफुल कोच रहे हैं, और नेशनल टीम भारतीय टीम को संगठित करना, उनको चैंपियन बनाना 2011 के वर्ल्ड कप में, जबकि भारत को 28 साल हो गए थे वर्ल्ड कप का खिताब जीते हुए। 1983 के बाद भारत ने वनडे का वर्ल्ड कप जो है 2011 में जाकर 28 वर्षों के बाद जीता गैरी कस्टन की कोचिंग के अंडर। तो स्थितियां काफ़ी कुछ अपने आप में बदली, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये स्थितियाँ अब पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी सकारात्मक रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। एक पटेल राहुल जी का सवाल है कि मोहम्मद आमिर खुद का करियर बर्बाद कर रहा है, पिट रहा है। हाँ, बहुत महंगे साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखो, वो वाली बात तो नहीं है जो डराने वाली उनकी गेंदबाजी थी, और उनके सामने टिककर खेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, और हमारे टॉप ऑर्डर की बखियाँ उधेड़ दी थी उन्होंने। वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब कम से कम मोहम्मद आमिर उस तरह के बॉलर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि पीसीबी को जो युवा टैलेंट है उन पर जाना चाहिए था बजाय कि मोहम्मद आमिर के, क्योंकि अब पुरानी जो प्रतिष्ठा है, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, वो अब कोई मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं तो आपका मौजूदा परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मोहम्मद आमिर का इस तरह से टीम में रखना और उसके बाद उनका परफॉर्म ना कर पाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन अब फिलहाल जेसन गिलेस्पी की बात हो रही है, गैरी कस्टन की बात हो रही है, गैरी कस्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच होंगे, और वहीं जेसन गिलेस्पी रेड बॉल क्रिकेट के कोच बनाए गए हैं पाकिस्तान टीम के। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।